ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। ময়নাতদন্ত রিপোর্টে মৃত্যুর সময়ের উল্লেখ ছিল না। বিস্ফোরক অভিযোগ সুশান্ত সিং রাজপুতের আইনজীবীর। उनकी मंशा शुरू से नहीं थी कि कोई इसमें सही इन्वेस्टिगेशन हो। और एक जो बहुत ही बड़ी जो एक कमी आ रही है मेरे को इस सारे मामले में, कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे को देखने को मिला, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन जो मेरे को देखने को मिला उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है। और टाइम ऑफ डेथ बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उनको मार के लटकाया गया या लटक के मरे, ये टाइम ऑफ डेथ से क्लियर होता है। अगर टाइम ऑफ डेथ ही अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है, तो ये स्पष्ट रूप से कहना कि ये लटक के मरे, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लटकने के बाद तो मरने में 2-4 मिनट ही लगते हैं, लेकिन अगर वो मर गए थे, मान लीजिए रात को पहले ही मार दिया गया था और उसके बाद लटकाया गया है, तो टाइम ऑफ डेथ अगर आता तो उससे बड़ा स्पष्ट होता। तो ये सारे सवाल जो है मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, कूपर हॉस्पिटल को भी जवाब देना पड़ेगा। और जब तक सीबीआई इस मामले में नहीं जाएगी, मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग कहीं सच्चाई के आसपास भी पहुंच पाएंगे।